दुनिया भर में ग्लोबल वार्मिंग के खतरनाक बादल मंडरा रहे हैं। इसी बीच इटली के कई खूबसूरत शहरों में से एक पानी में तैरने वाला शहर भी अब डूबने लगा है। इस शहर का नाम वेनिस है। यहाँ करीब 53 साल बाद ऐसी बाढ़ आई है। इससे पहले यहाँ ऐसा नज़ारा 1966 में देखने को मिला था। कल यानी बुधवार को बाढ़ की वजह से पूरे शहर भर में पानी भर गया था, जिसके चलते शहर के प्रमुख ऐतिहासिक इमारतों में पानी भर गया। शहर के मेयर लुइंगी ब्रुगनारो ने बताया कि ये ऐतिहासिक आपदा है, इससे उबरने के लिए हमें जी जान से जुटना होगा। ब्रुगनारो ने ट्वीट किया कि पूरा शहर घुटनों पर आ गया है। पिछले साल इटली में खराब मौसम के चलते करीब 11 लोगों की मौत हो गई थी। इस बार वेनिस शहर में आई बाढ़ से अब तक करीब 4 लोगों की मौत हो गई है। इस विशाल बाढ़ के चलते मेयर ने बुधवार को पूरे शहर को आपदाग्रस्त क्षेत्र घोषित कर दिया है। बाढ़ का अंदाज़ा इसी से लगा सकते हैं कि ऐतिहासिक बेसिलिका सहित गली मोहल्ले पानी में डूब चुके हैं। मेयर लुइंग ब्रुगनारो ने ट्विटर पर कहा कि स्थिति बेहद नाटकीय थी, हमने सरकार से मदद मांगी है, अब हमें बहुत ज़्यादा धन की ज़रूरत पड़ने वाली है, ये सब जलवायु परिवर्तन का नतीजा है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।